सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस नए और बहुत ही छोटे वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एमएस एक्सेल का एक कॉन्टेंट को हम लोग एमएस वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं डायनामिकली। डायनामिकली इतना नहीं, जब हम लोग एमएस एक्सेल का जो कंटेंट है उसको जब हम लोग चेंज करेंगे ऑटोमेटिक एमएस वर्ड का जो कंटेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक्सेल में एक टेबल बना के रखा है जो कि एक स्टूडेंट का डिटेल्स है जिसमें मैंने रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, क्लास लिखा है। तो यहाँ मैं तीन स्टूडेंट का डिटेल्स मैंने एंटर किया है। रोल नंबर 1 रमेश जो कि क्लास 10 में पढ़ता है, रोल नंबर 2 प्रवीण जो कि क्लास 9 में पढ़ता है, रोल नंबर 3 सौरभ जो कि क्लास 11 में पढ़ता है। तो अभी मुझे क्या करना है, इस डेटा को कॉपी करके मुझे एमएस वर्ड में लेके जाना है। तो चलिए इस डेटा को कॉपी करते हैं। पहले तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके हम लोग कॉपी में क्लिक कर देंगे। तो कॉपी में क्लिक करते आपको ऐसा एक डॉटिंग लाइन आ जाएगा जो कि मार्क्यू लाइन होगा। तो अभी इस डेटा को मुझे एमएस वर्ड में पेस्ट करना है। तो एमएस वर्ड में जाना है, एमएस वर्ड में जाके मुझे पेस्ट में यहाँ में क्लिक नहीं करना है, यहाँ में छोटा एक एरो दिखाई दे रहा है यहाँ में मुझे क्लिक करना है। यहाँ में क्लिक करने से एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल, मुझे पेस्ट स्पेशल में क्लिक करना है। क्लिक करने से यहाँ में एक विंडो आएगा, छोटा पेस्ट स्पेशल का विंडो आएगा। यहाँ में आपको क्लिक करना है पेस्ट लिंक में, ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन में क्लिक करना है पेस्ट लिंक। इसमें क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करके यहाँ में ओके कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा टेबल है, ये टेबल मेरा यहाँ में पेस्ट हो चुका है। तो अभी मुझे क्या करना है, एमएस एक्सेल में इस टेबल को मुझे एडिट करना है और एडिट करते ही ऑटोमेटिक जो टेबल है जो भी मैंने एडिट किया है वो यहाँ में चेंज हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे एमएस एक्सेल में क्लास को चेंज करना है, तो जैसे कि मैं क्लास रोमन नंबर में मैंने लिखा है तो इसको मुझे नंबर में लिखना है। तो 10 को मैं नंबर में लिख देता हूँ 10, जो कि ये 9 है मुझे 9 नंबर में लिखना है, 11 नंबर में लिखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में जो डेटा है डेटा को मैंने चेंज कर दिया है। तो चलिए हम लोग एमएस वर्ड में जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में यहाँ में जो मेरा डेटा है डेटा भी चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही यहाँ में मान लीजिए जैसे रमेश लिखा हुआ है तो रमेश को चेंज करके मुझे कुछ दूसरा नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग एमएस एक्सेल में जाके कुछ दूसरा नाम यहाँ में लिखते हैं। तो फर्स्ट मान लीजिए मुझे लिखना है राम, तो मैंने यहाँ में राम लिख दिया है। तो अभी मुझे एमएस वर्ड में जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एमएस वर्ड में जो नाम है ये नाम भी यहाँ में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस है कैसे हम लोग एमएस एक्सेल का जो डेटा है उसको हम लोग डायनामिकली हम लोग एमएस वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं, ताकि एमएस वर्ड में जब डेटा चेंज होगा सेम डेटा एमएस वर्ड में भी चेंज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपने नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक का साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।